आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार झा। भारत ने आज एक अनमोल रत्न को खो दिया है। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं रहे। प्यार से एसएमएस और ग्रेन गुरु के नाम से जाने जाने वाले स्वामीनाथन का आज 28 सितंबर को 98 साल की उम्र में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्वर्गवास हो गया। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यानी कि हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज की खबर में हम आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं। स्वामीनाथन वही व्यक्ति थे जिन्होंने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे एमएस स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। साल 1966 में उन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू बीजों के साथ मिलाकर कई उच्च प्रकार की गेहूं की बीजें बनाई थी। जब देश लगातार सूखे का सामना कर रहा था और ऐसे समय में किसानों को दूसरी फसल के लिए आगे बढ़ना, उनको आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित कराना सब काम स्वामीनाथन ने किया था। जब देश दुनिया के कई अर्थशास्त्री भारत के कदम को पूरी तरीके से नकार रहे थे, उस समय स्वामीनाथन ने कई बड़ी सोच के साथ किसानों का हौसला बढ़ाया और खुद भी खेती से जुड़े नए आविष्कारों को खोजते रहे। स्वामीनाथन को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें साल 1967 में उन्हें पद्मश्री और साल 1972 में पद्म भूषण और साल 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि स्वामीनाथन जी को 84 डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है, जिसमें से 34 डॉक्टरेट की उपाधि तो उन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने दी है। इतनी बड़ी शख्सियत का आज इस दुनिया से चला जाना भारत के लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति लाया था भारत में तो उन्होंने कई बातें कही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा आगे बढ़ गए थे। लेकिन जब ये बात उठी कि पंजाब और हरियाणा मॉडल को ही भारत के अलग अलग राज्यों में फॉलो करवाना चाहिए, तो उसमें स्वामीनाथन का कहना था कि हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है और राज्यों को इस पैटर्न को अपनाने के लिए हर एक अलग पैटर्न का और हर एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। स्वामीनाथन आज हमारे बीच नहीं है, देश काफ़ी स्तंभ हो चुका है, क्योंकि हरित क्रांति वो पल था जब भारत ने खाद्य पदार्थों में अपने आप को सबसे आगे बढ़ाया था। और आज भारत के पास वो सभी चीज़ें हमेशा उपलब्ध होती है कि वो अपने नागरिकों की पेट अब सालों साल तक भर सके। देश में ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और उसी सिलसिले में आज स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं है, जो कि वैज्ञानिक जगत के साथ साथ जो पूरे भारतीयों के लिए क्षतिपूर्ण साबित हो सकता है। पंजाब केसरी की तरफ से हम स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि देते हैं, और हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते रहेंगे और भी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप पंजाब केसरी। धन्यवाद।